नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर कोटेद्वार से है, जहां नगर निगम में 23 लाख रुपए का घोटाला करने का मामला सामने आया है। दरअसल नगर निगम आयुक्त किशन सिंह नेगी ने देर रात अपने ही निगम के वरिष्ठ सहायक पंकज रावत और सुमित्रा देवी ठेकेदार के खिलाफ कोटेद्वार कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिससे निगम में हड़कंप मच गया है। बता दें कि नगर निगम में 23 लाख रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें निगम कर्मचारी और ठेकेदार का नाम सामने निकल करके आ रहा है। नगर निगम लंबे समय से निगम में हुए घोटाले की स्वयं जांच कर रहे थे। सुबह एक तहरीर नगर निगम के माध्यम से दी गई कि जिसमें उनकी कोटद्वार की नगर निगम की कोई बैलेंस शीट तैयार की जा रही थी, तो उनके तथ्य प्रकाश में आए कि किसी ने कूटरचित तरीके से 23,89,000 का कोई मामला कूटरचित तरीके से भुगतान कर दिया गया है। तो उसमें बताते हैं कि ठेकेदार कोई सुमिता देवी है और इनके वरिष्ठ सहायक हैं जो कि पंकज राव जी हैं। इन लोगों के द्वारा कूटरचित तरीके से चेक बना करके और वो काम तो हुआ नहीं, उसकी फाइल तैयार करके और उसका भुगतान यूनियन बैंक के माध्यम से कर दिया गया, जिसमें हमारे यहाँ FIR दर्ज कर दिए। ये मामला करीबन 2 साल पुराना है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं बता पाऊँगा, अंडर इन्वेस्टिगेशन मामला है। अगली खबर जालौन से है, जहां सब्जी खरीद रहे युवक पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। साथ ही दबंगों ने युवक से लूटपाट भी की है, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर आगरा से है, जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव इस बार लड़ेगी। इसके लिए वार्ड और बूथ लेवल तक कमेटी तैयार की गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम और गंदगी मुक्त आगरा के मुद्दों को लेकर के वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। उत्तर प्रदेश के कई इलाके इस वक्त बाढ़ में डूबे हुए हैं, लेकिन कल एक जिलाधिकारी महोदय का वीडियो सामने आया सोशल मीडिया पे और मीडिया के जरिए। वो जनता से ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे बाढ़ के नाम पर मिलने वाली राहत कोई भीख दे रहे हैं। ये कितने अफसोस की बात है, कितने शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार में एक जिला अधिकारी अंबेडकर नगर का, जिसको बाढ़ पीड़ितों के साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए, वो उनको जोमेटो और दुनिया भर का ज्ञान समझा रहा है और ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वो जनता को राहत नहीं, कोई भीख दे रहा है। खबर चमोली जिले के विकासखंड दिवाल की है, जहां पिछले बीते साल 13 अक्टूबर को इस प्रखंड के मानमती गांव में एक दलित परिवार की युवती को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी प्राथमिक रिपोर्ट संबंधित पटवारी क्षेत्र नलधुरा में दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट दर्ज कराने के दिन से ही हत्यारोपी फरार चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी चमोली ने तत्काल प्रभाव से राजस्व विभाग से केस को रेगुलर पुलिस को रेफर कर दिया था, लेकिन एक साल बीत जाने पर भी हत्यारोपी नामजद की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इससे गुस्साए क्षेत्रीय जनता और राजनीतिक दलों के साथ जनप्रतिनिधियों और युवती के परिजनों में भारी आक्रोश बना हुआ है, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोगों ने विकासखंड दीवाल मुख्यालय पर इकट्ठा होकर हत्यारोपी की गिरफ्तारी न होने पर प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। विकासखंड देवाल के अंदर खेता मानमती ग्राम पंचायत है और नलधुरा तहसील देवाल के अंदर, उसमें एक अगर कानून व्यवस्था अनुसूचित जाति की लड़की की हत्या दिन दहाड़े 8:30 सुबह कर दी है। आरोपी को इंसाफ मिले इस बात को लेकर आज पिंकी की हत्या के 1 साल बाद यहां पर जो शोक सभा रखी गई है और जो आक्रोश रैली रखी गई है,
उसका एक ही संदेश है कि ये पिंकी के माता पिता का व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये पूरे समाज का मामला है। इस बारे में बहुत कुछ कहने को मेरे पास है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की ये कमियाँ हमें खल ली है कि वो टाइमली काम नहीं कर पा रही है, जिससे हमें जो है न्याय नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित परिवार बहुत परेशान है और पूरे क्षेत्र में एक दहशत फैली हुई है। अगली खबर संत कबीर नगर से है, जहां HDFC बैंक की मुख्य शाखा ने दीपावली त्यौहार को देखते हुए ग्राहकों की खुशियों में चार चांद लगाने के लिए जीरो ब्याज पर 3 दिवसीय महालोन मेले का आयोजन किया। HDFC बैंक के इस महालोन मेले का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि ADM संत कबीर नगर मनोज कुमार सिंह और डॉक्टर चित्रसेन श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर HDFC बैंक के मुख्य शाखा के प्रबंधक मोहम्मद खालिद सहित HDFC बैंक परिवार मौजूद रहा। ये 3 दिवसीय जो है लोन मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जो भी ग्राहक हैं उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है, जैसे 10,000 से लेके 3 लाख तक का जो है, 1 साल के EMI देंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं देना उनको, फिर ही आप HDFC बैंक दिवाली के शुभ अवसर पर इन्होंने लोन मेला आयोजित किया है, जिसमें इनके द्वारा बताया भी गया है कि 1 वर्ष तक के लिए जो EMI होगी उस पर ब्याज नहीं है। खबर पौड़ी से है, जहां पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मनीष खंडूरी और जिला पंचायत अध्यक्ष श्री केशवर नेगी की दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना प्रकट की। साथ ही दिवंगत अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। इसके पश्चात पौड़ी कांग्रेस परिवार की वयोवृद्ध नेता गोदाम्बरी रावत के पुत्र के आकस्मिक निधन पर उनके आवास पर जाकर अपनी सांत्वना प्रदान की, जहाँ जिले के कई नेता मौजूद रहे। खबर बांदा से है, जहां विश्व हिंदू महासंघ गौ रक्षा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने DM को ज्ञापन दिया है। जिले में अन्ना गौवंश की दुर्दशा को लेकर के ये ज्ञापन दिया गया है। दरअसल पैलानी तहसील के सभी गांव में खुलेआम घूम रहे अन्ना गौवंश, जहां जिला प्रशासन की लापरवाही से अन्ना गौवंश की लगातार मौत हो रही है। हमारी मंगल सर ये है कि देखो, हम किसान लोग आदमी हैं, किसान लोग परेशान है जानवरों से। हम लोग धान वगैरह सब लगाए हुए हैं अपने बोरों में और रात दिन पड़े हैं, जागते हैं, मरते हैं और दिन में सो नहीं पाते। अब बताइए हम क्या करें, हमारी फसल नष्ट भ्रष्ट हो गई और रात में ही चलते हैं, दिन में भी चलते हैं। और प्रधान से कहते हैं कि ये बंद करो, सब व्यवस्था सरकार किया है और सब पैसा भी दिया है, गौशाला भी बनवाए, इसके बावजूद भी सर नहीं बंद कर रहे हैं। अब बताइए, कहते हैं हम तुमको देख लेंगे, हमारी FIR किया तो हम ये शिकायत करते हो। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां दुद्धी में दयासागर क्रिश्चियन चर्च में हिंदुओं के धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि जेम्स इंग्लिश स्कूल के 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक प्रवचन का आयोजन किया गया था। प्रवचन के अंतिम दिन सैकड़ों की संख्या में आसपास क्षेत्र के समेत झारखंड और बिहार के लोग मौजूद थे, जिसमें उनको कई सुविधाओं का प्रलोभन देकर के हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने का कार्य चल रहा था। हालांकि हिंदू संगठनों के आक्रोश के बाद तत्काल SDM दुद्धी और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और आयोजकों से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस और अधिकारियों की पूछताछ में आयोजक मंडल के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने आयोजक समेत कई लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कल कस्बा दुद्धी में जो है एक स्कूल कॉलेज है क्रिश्चियन का जो है, उसमें उनका एक पूजा कार्यक्रम चल रहा था क्रिश्चियन का जो है, जिसमें लगभग 250-300 लोग इकट्ठा थे जो है, और उनके द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गई थी। बाद में कुछ हिंदूवादी संगठनों द्वारा बताया गया कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन कराया गया है। इस सूचना पर वहाँ थाना दुद्धी की पुलिस मौके पहुँची जो है, जांच पड़ताल की जो है, और लोगों से पूछताछ किया तो धर्म परिवर्तन जैसे कोई बात प्रकाश में नहीं आई, धर्म परिवर्तन जैसे कोई मामला नहीं था, चूँकि लोग बिना अनुमति के वहाँ पे इकट्ठा थे जो है, अपना पूजा पाठ कर रहे थे जो है, इस संबंध में जो है उनके खिलाफ जो है धारा 188 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो है जांच करके आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों पर कार्रवाई है? अभी जो वहाँ के आयोजक थे उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो है धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है वहाँ पे।
खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिले में एक महिला ने खुद को बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटना से पहले घरेलू विवादों को लेकर के कहासुनी होने की चर्चा सामने आई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया है। घटना किशनपुर थाना क्षेत्र के गढ़ा गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।